मिलिए केली से। केली के पास एक बहुत अनोखी पावर है, वो बिना छुए ही लड़कियों को ऑर्गेज्म दे सकता है। जैसे कि वो अभी क्लासरूम में बैठकर अपनी दो क्लासमेट्स डोमिनिक और सैरा के साथ कर रहा है। केली के पास इतनी अनोखी पावर्स कब और कैसे आई, ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस इंसिडेंट से कुछ महीने पहले हम एक जंगल में ओल्ड मैन को आता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक फ्लूगर नाम का बुढ़ा आदमी निकलता है। वो रिचुअल्स करने आया था। उसने बहुत पुरानी एंशिएंट कब्र खोदी, उसमें से हड्डियों को निकाला और रिचुअल्स स्टार्ट करने लगा। तभी एक जोरदार बिजली का झटका उसे लगा। वो जाकर वैन से टकरा कर गिर पड़ा। इतने बड़े झटके से उसे कुछ नहीं हुआ। वो फिर से खड़ा हुआ और अपनी वैन लेकर वहाँ से चला गया। जाते हुए वो इविल तरीके से हंस रहा था, मानो जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया हो। उसके बाद हम केली को देखते हैं, जिसके पास अभी वो पावर्स नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत वीक लड़का है, जिसे सब बुली करते हैं। और बुली क्यों करते हैं? क्योंकि केली को एक बहुत अजीब बीमारी है, पीका। केली को पीका नाम की एक रेयर कंडीशन थी, जिसमें वो ऐसी चीजें खाता था जो एडिबल नहीं है, यानी खाने की नहीं है, जैसे कपड़े, कागज, लेदर वगैरह। अब स्टोर के बाहर उसे कुछ माँ के बदमाश बुली करने लगते हैं, जो कि उसके स्कूल से ही थे। केली को बचाने डोमिनिक और उसकी फ्रेंड सैरा आते हैं, लेकिन वो माँ के बदमाश बेचारे केली को कचरे के डब्बे में उल्टा कर देते हैं। उसके बाद एक ने उसके ऊपर सोडा उंडेल दिया, दूसरे ने उसकी टिकटॉक बना के स्कूल की वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। इससे बेचारी केली को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि डोमिनिक उसकी क्लासमेट ही नहीं बल्कि उसकी क्रश भी है, और उन बुलीस ने बेचारे केली की इज्जत उसके क्रश के सामने कचरे के डब्बे में क्रश कर दिया। दूसरे दिन केली स्कूल गया और लॉकर रूम से एक पेंसिल के इरेजर को खाने लगा, लॉलीपॉप समझ के। वैसे सबकी नजर केली के ऊपर ही थी, क्योंकि उसकी वायरल टिकटॉक वीडियो के बाद वो और फेमस हो गया था। अब इतनी हेल्दी डाइट लेने के बाद और ऑलमोस्ट हर कचरे की चीज खाने के बाद केली सुपरमैन तो बनेगा नहीं, तो वो बीमार पड़ जाता है। उसकी माँ डॉक्टर को बुलाकर उसकी कंडीशन बताती है, जिस पर डॉक्टर कहता है केली को साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, ना कि मेडिकल हेल्प। इधर शहर में कहीं हम उसी साइको ब्लैक मैजिक वाले बुढ़े आदमी को देखते हैं, मतलब फ्लूगर को, जो अब लोगों का मसीहा बन गया था, लेकिन पैसे लेकर। वो अपनी पावर से दूसरों की बीमारियों को हील कर रहा था, लेकिन फ्री में नहीं, पैसों के लिए। क्राउड में से एक ओल्ड लेडी सामने आती है, जो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फ्लूगर अपनी पावर से उसके पैर और पीठ का दर्द चुटकी में गायब कर देता है, और वो ओल्ड लेडी पंची बनो उड़ती फिरू गाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फ्लूगर के पास केली की मॉम आई, जो उसे केली की बीमारी को भी ठीक करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी एक रेड एल्क नाम का आदमी फ्लूगर को कन्फ्रंट करता है। वो कब से फ्लूगर का मैजिक शो देख रहा था। वो कहता है कि फ्लूगर ने एंशिएंट ग्रेव से ये पावर्स चुराई है। वो उसे वार्न भी करता है कि यही पावर्स उसकी मौत की वजह बनेगी, लेकिन फ्लूगर बड़ी रूडली उसकी बात को झुठला देता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से केली के मॉम के साथ चला जाता है उसे ठीक करने। वो गया तो था केली को ठीक करने, लेकिन बेचारे के साथ खुद ही ट्रेजेडी हो जाती है। वो केली को ठीक करने लगता है, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसकी सारी पावर्स केली में ट्रांसफर हो गई, और ऐसे मिली केली को उसकी पावर्स। केली को उसकी पावर्स का पता लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके बाद तो डरा सहमा और एम्बेरस्ड केली अब कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया था। स्कूल जाते हुए रास्ते में उसका सामना एक बुली से हुआ। वो केली से लड़ाई करने लगा। उसने एक जोरदार मुक्का केली के पेट में मारा, लेकिन उल्टा उसी के पेट में दर्द होने लगा। वो एक लकड़ी से केली के सर पर मारता है, लेकिन फिर से वो खुद जख्मी हो जाता है। उसके सर से खून आ रहा था। केली पर किए गए हर वार का असर उस लड़के के साथ हो रहा था। उसके बाद केली वहाँ से चला गया। बाद में केली पार्ट टाइम जॉब के लिए पिज्जा शॉप ज्वाइन कर लेता है। घर आकर उसने अपनी मॉम को सारी पावर्स के बारे में बताया। उसकी मॉम पहले तो बहुत शॉक हुई, फिर बाद में उन्होंने केली से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा। स्कूल में केली को उसकी पावर्स के बारे में एक नई बात पता चली। अगर वो सामने वाले की कोई भी चीज खा ले, तो वो जो खुद के साथ करेगा वो उस इंसान के साथ भी होगा। इससे केली को बहुत ही ठरकी आइडिया आया। डोमिनिक उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी। उसकी स्क्रंची केली के टेबल पर गिरी। केली ने स्क्रंची को वापस करने से पहले उसका टैग खा लिया। फिर वो डोमिनिक के बारे में सोच के फैंटेसाइज करने लगा, और फिर सारा के बारे में भी, जिस वजह से दोनों लड़कियां भी इफेक्ट होती है और उन्हें ऑर्गेज्म होता है।
रात में डोमिनिक और केली साथ में एक बॉनफायर पार्टी में गए। यहाँ फिर से वो माँ की बदमाश केली और डोमिनिक को परेशान करने लगे। उनकी फाइट होने ही वाली थी, लेकिन तभी बीच में सॉसर टीम के कोच और उन दो लड़कों के फादर गस आकर उनकी फाइट होने से रोक देता है। पार्टी के बाद केली साइकिल पर घर जा रहा था। रास्ते में वो पुलिस केली का पीछा करने लगे। उन्होंने कार केली पर चढ़ा दी। केली को पावर्स की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कार ड्राइव कर रहा था वो लड़का मर गया क्योंकि केली का असर उसके ऊपर हुआ और बाकी के लड़के वहाँ से भाग गए। डोमिनिक और सैरा भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने केली से पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। केली उन्हें सारी बात बता देता है। अगले दिन स्कूल में डोमिनिक और केली एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। डोमिनिक कहते हैं कि पुलिस इस इंसिडेंट को एयरबैग माल फंक्शनिंग समझेंगी और जाने देगी। डोमिनिक और केली में नजदीकियां बढ़ रही थी और उनका बॉन्ड भी बन रहा था। केली तो डोमिनिक को डेट के लिए पूछ भी लेता है। रात में केली अपने जॉब पर था, तभी उसे रेड एल्क आकर मिलता है। रेड एल्क को केली पर शक हो रहा था और केली उसके सवालों के सभी जवाब देकर उसका शक यकीन में बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस केली का उसके ट्रेलर से बाहर जाने का वेट कर रहे थे। उन्हें लगा कि ट्रेलर खाली है, तो उन्होंने ट्रेलर का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे ट्रेलर पूरा अनस्टेबल हो गया, जिस वजह से गैस की पाइप अपनी जगह से निकल गई और गैस लीक होने लगा। अंदर केली की मॉम सो रही थी। उनकी झटके से आंख खुली तो वह हड़बड़ी में बाहर भागने लगी, लेकिन ट्रेलर का दरवाजा लॉक था, जिससे वह और ज्यादा पैनिक हो गई और उनके हाथ से लैम्प गिर के टूट गया, जिससे पूरे ट्रेलर में आग लग गई और धमाका हो गया। केली वापस आया तो उसने देखा कि ट्रेलर में आग लगी हुई है। वो फौरन अपनी माँ को बचाने अंदर भागा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। केली अपनी मॉम की बर्न बॉडी उठाकर बाहर लाया और जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद हम केली को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं। पावर्स की वजह से उसे आग से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब वो अनाथ हो गया था तो उसे फॉस्टर होम जाना होगा। हॉस्पिटल में रेड एल केली को देखने आता है। वो शरीफ को केली की सारी पावर्स के बारे में बता देता है, जिस पर ऑब्वियसली शरीफ यकीन नहीं करता। रेड एल्क उसे अपना पता दे देता है इन केस आगे उसे उसकी जरूरत हो। फ्यूनरल के दिन केली ने अपनी मॉम को आखिरी गुड बाय कहा। उसके बाद वो फ्लूगर की ग्रेव के पास जाकर खड़ा हो गया। डोमिनिक उसे अच्छा फील कराने उसके पास आती है। डोमिनिक के जाने के बाद केली ने फ्लूगर की ग्रेव पर उग रहे कुछ फ्लावर्स खाए, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन शरीफ केली को बताता है कि ट्रेलर में आग एक्सीडेंटली नहीं लगी थी, किसी ने ट्रेलर का पहिया काट दिया था, जिस वजह से वो आग लगी थी। शरीफ की बातों से केली को उन पुलिस पर शक हुआ। तभी वो पुलिस अपनी कार से आए और केली को चिढ़ाने लगे और उसे मिडिल फिंगर भी बताई, जिससे केली को यकीन हो गया। केली गुस्से में चलती कार में से नीचे उतर गया और गायब हो गया। शरीफ ने कार रोककर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो हवा में गायब हो गया था। केली उनका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचा। वो लड़के स्विमिंग करने के लिए नदी में गए थे। केली के पास अच्छा मौका था उनसे बदला लेने का। उसने एक लड़के की टी शर्ट खा ली। उसके बाद वो खुद का गला दबाने लगा, जिसका असर उस लड़के पर हो रहा था जिसकी वो टी शर्ट थी। वो पानी में डूब के मर गया। केली को वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि एक लड़का शरीफ को बुलाने चला गया था। खैर, इधर डोमिनिक की मॉम उसे विंडो बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डोमिनिक केली से मिले। लेकिन उनके रूम से जाने के बाद केली वहाँ आ जाता है। वो डोमिनिक के सामने कन्फेस करता है और कहता है कि वो रिवेंज लेना नहीं चाहता और जल्दी शरीफ के पास जाकर सब कन्फेस कर लेगा। लेकिन अगले दिन साइंस क्लास में उसकी लड़ाई एक पुलिस से हो जाती है। केली सबके सामने उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी मॉम का मर्डर किया है। उस बुली को केली की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में एसिड केली के मुंह पर फेंक देता है, लेकिन बदले में उसका चेहरा ही जख्मी हो गया। एसिड की वजह से उसका पूरा चेहरा पिघलने लगा। केली सिचुएशन बिगड़ती देख वहाँ से भाग गया। इधर सैरा एक लड़के को डेट कर रही थी। ये लड़का उन्हीं पुलिस में से एक था। सैरा उसे बताती है कि केली को कैसे रोक सकते हैं। दरअसल फ्यूनरल वाले दिन जब केली की तबीयत वो फ्लावर खाने की वजह से बिगड़ गई थी, उस वक्त सैरा वहाँ पर थी। उसने ये सब देख लिया तो उसे पता चल गया कि केली की कमजोरी क्या है। सैरा और वो लड़का फ्लूगर की ग्रेव से वो फ्लावर्स चुरा लेते हैं ताकि वो केली को हरा सके। इधर केली का सामना दो पुलिस और उनके फादर गस से हुआ, लेकिन उन पर अटैक करने से पहले वो उनकी कार से दोनों पुलिस के कपड़ों के पीस खा लेता है। उसके बाद वो ग्राउंड में गया, जहां उसने ड्रिल मशीन से खुद के पैर पर ड्रिल करना शुरू कर दिया, जिसका असर एक लड़के पर हुआ। अब तक यहाँ डोमिनिक और शरीफ भी आ गए थे। डोमिनिक उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो रुक जाता है, लेकिन तभी गस ने शरीफ पर अटैक कर दिया और उसकी गन छीन ली। इतने में दूसरा लड़का केली के ऊपर ग्रीन लिक्विड से स्प्रे करने लगा, जिससे केली वीक पड़ गया था। वो लड़का अपने फादर से केली को शूट करने के लिए कहता है। वैसे ये ग्रीन लिक्विड फ्लूगर की ग्रेव के फ्लावर से बने थे, इसीलिए उसका असर केली पर हो रहा था।
डोमिनिक केली के पास आकर उस लिक्विड को थोड़ा बहुत हटाती है जिससे केली को दर्द कम होता है। गस ने केली पर गन पॉइंट कर दी। शेरिफ उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो नहीं मानता और केली को शूट कर देता है। उसे क्या पता था कि वो खुद को ही शूट कर रहा था। केली के सर से टकराकर गोली गस के सर में लग जाती है और दूसरी तरफ उसके बेटे के सर में भी, क्योंकि केली ने उसका शर्ट का टुकड़ा खाया था। इधर केली को एक खरोश भी नहीं आई थी। डोमिनिक केली पर गुस्सा करती है और उसे सबकी मौत का जिम्मेदार बताती है, जो कि वो था। फिर डोमिनिक ने केली को धमकी दी कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगी अगर उसने रेड एल्ट के साथ मिलकर रिचुअल नहीं किया और पावर्स को खुद से अलग नहीं किया तो। अब एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के नाते केली अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान जाता है। फिर वो सब फ्लूगर की ग्रेव पर पहुंचे। रेड एल्क रिचुअल परफॉर्म करता है। डोमिनिक केली को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। रिचुअल के दौरान केली को बहुत पेन हो रहा था लेकिन रिचुअल खत्म होने के बाद केली की पावर्स उससे अलग नहीं हुई थी। इसकी वजह यही थी कि केली उन पावर से काफी वक्त से जुड़ा हुआ था, तो अब उन दोनों को अलग करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, केली की मौत। पूरी पुलिस फोर्स केली को पकड़ने आई थी। केली हैंडकफ्स छुड़ाकर डोमिनिक के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उन दोनों पर ही गोलियाँ चला देती है। दोनों को ही गोली लगी थी लेकिन पावर्स की वजह से केली को कुछ नहीं होता, लेकिन डोमिनिक की वही डेथ हो गई। केली उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। अब कोई रास्ता नहीं देखकर वो फ्लूगर का हार्ट निकाल कर खा लेता है जिससे उसकी पावर्स उसकी बॉडी छोड़ देती है। पावर्स निकलते ही केली उन सब मौत से गुजरता है जो वो अभी तक अवॉइड कर रहा था पावर्स के साथ। आखिर में उसके सिर में गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। बेचारा केली। मूवी के लास्ट सीन में हम डोमिनिक को उठते हुए देखते हैं और उसके जख्म भी हील हो गए थे, मतलब पावर्स अब डोमिनिक में ट्रांसफर हो गई थी और ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।